Welcome into the next class of writing some basic programs in C language. Let's take some other problems or other examples. Problem number 4. If amount, rate and time is input through the keyboard, write a program to calculate simple interest. Okay, so first find out number of variables needed. So 3 variables needed for the input, that is amount, rate and time, and 4th one is needed for the hold the result, that is our simple interest. Okay, so total number of variables needed 4. Okay, first for amount, that is principal amount, second for the rate, okay, and third for the time, and fourth for the holding the result, that is our simple interest. इनमें से 3 वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या करनी होगी, यूजर से स्कैन करवानी है, ओके, इनपुट करवानी है अमाउंट, रेट और टाइम के लिए, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज अवर प्रोसेस. ओके, सो उसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है लाइक दिस. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, ओके, और इट्स होल, इसे आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में एनक्लोज करेंगे और डिवाइड बाय क्या करना होगा, 100, क्योंकि सी लैंग्वेज में इस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली लिखना होगा. अगर मैं ये पैरेंथेसिस का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो गलत हो, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर फॉर्म में क्या करना है, इसे पैरेंथेसिस फॉर्म में अपन इसे एनक्लोज करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे. तो SI वेरिएबल के पास क्या होगा, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना है आपको, किसका वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है SI का, और किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इस फॉर्मेट में कि द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ओके, देन उसका वैल्यू है, तो उस जगह पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, व्हाटएवर. ओके, नाउ किस तरह के ये वेरिएबल होंगे, इनका टाइप डिक्लेरेशन कैसे करेंगे. सो अमाउंट, रेट, ओके, और टाइम. तो अमाउंट और टाइम जनरली किस में होगा, नंबर की फॉर्म में होगा, लेकिन जो रेट है बेसिकली वो परसेंटेज, बेसिकली 5.4, 6.4 या फ्लोटिंग भी होता है मे बी. ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, इसे अपन फ्लोटिंग में रखेंगे, और जो आपका रिजल्ट है वो भी क्या होगा, एक फ्लोट नंबर होगा या फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर होगा. तो उसे होल्ड करने के लिए जो आपका वेरिएबल है, दैट इज SI, वो भी किस तरह का होना चाहिए, फ्लोट टाइप का. तो लेट्स सी किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनेगा, उसे अपन देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल पर जाना है, न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले है जो हेडर फाइल से उसे इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h. देन क्या करना है, हैश इंक्लूड onio.h. और जब अपन इस तरह का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जो शुरुआत में ही क्या कर लेना चाहिए, एक कमेंट फॉर्म में कमेंट डाल देना चाहिए. फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम फॉर, जो ये इंडिकेट करेगा कि बेसिकली ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया जा रहा है या इसका एम क्या है. बेसिकली प्रोग्राम फॉर सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो यहाँ आएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, void main लिखेंगे, void main लिखना आपको करेक्टली. देन क्या करना होगा, वेरिएबल्स लेने हैं. तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इनपुट करना है, और एक किसके लिए वेरिएबल लेना है आपको, टाइम इनपुट करने के लिए. उसके बाद 2 वेरिएबल जो है वो फ्लोट टाइप के लेंगे, सबसे फर्स्ट है आपका जो रेट है बेसिकली वो, और दूसरा जो आपका वेरिएबल है दैट इज SI, जो आपका रिजल्ट होल्ड करेगा. देन क्या लिखेंगे, क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन, जो करेक्टली आपको लिखना है, CLR SCR. देन क्या करना होगा, यूजर के सामने डिस्प्ले होना चाहिए. क्या लिखेंगे, printf enter amount, ओके, टाइम एंड रेट. ओके,
स्लैश एन, ताकि आपका जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इन क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन, क्योंकि आपको यूजर इनपुट लेना है, और सीक्वेंस क्या रखना है, पहले अमाउंट, उसके बाद टाइम, और उसके बाद क्या है रेट। तो अमाउंट क्या जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर, ओके। उसके बाद जो आपका टाइम है वो भी क्या है, एक नंबर है, दैट इज इंटीजर। और जो आपका थर्ड वन दैट इज रेट, और रेट का जो फॉर्मेट है वो क्या रखना है आपको, फ्लोट। सो फॉर्मेट स्पेसिफाई, परसेंट टाइप का यूज करेंगे, देन सेपरेटर का यूज करना आपको, और देन क्या करेंगे, वेरिएबल के नाम, ठीक है, लेकिन एम प्रिसीडेड बाय एम परसेंट। सो फर्स्ट इज टाइम, सॉरी अमाउंट, अमाउंट के लिए कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं अपन, ए एम टी नाम का वेरिएबल है। उसके बाद क्या है, टाइम, ओके, सो टाइम नाम का वेरिएबल है। और जो आपका थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल का नाम क्या है आपके लिए, नेम क्या है, रेट, आर ए टी, ओके। तो जब ये इनपुट हो जाएंगे, अपन प्रॉपरली देखना चाह रहे हैं कि प्रॉपरली इनपुट हुआ है नहीं हुआ है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जस्ट इन्हें अपन डिस्प्ले करके देखेंगे कि क्या अपन इनपुट्स हुए बेसिकली। सो प्रिंट एफ में अपन क्या करेंगे, स्लैश एन लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल एम ओ यू एन टी अमाउंट इक्वल्स टू, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या किया, स्लैश एन करेंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखना है, टाइम, और यहाँ क्या डिस्प्ले होना चाहिए उसके सामने, टाइम डिस्प्ले होना चाहिए अपन ऐसा चाह रहे हैं, और नेक्स्ट लाइन में क्या होना चाहिए, उसका जो रेट है वो डिस्प्ले होना चाहिए, और रेट बेसिकली जो है वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, फ्लोटिंग में, सो परसेंट एफ। और एट लास्ट अपन फिर से क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लैश एन, ये आपका पूरी तरीके से, एक तरीके से क्या है आपका, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, कंट्रोल स्ट्रिंग है प्रिंट एफ फंक्शन के लिए, ठीक है, जो मैसेजेस अपन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो, और उसके साथ में किस तरह की वैल्यूज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया। देन क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल नेम्स, सो फर्स्ट वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं फर्स्ट प्लेस पे, दैट इज अमाउंट ए एम टी, सेकेंड टाइम के सामने जिसका वैल्यू अपन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, टाइम इक्वल्स टू के बाद, दैट इज टाइम वेरिएबल, एंड थर्ड जो वेरिएबल है जिसका अपन वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, जहां रेट है बेसिकली, तो उसके लिए कौन सा वेरिएबल है, थर्ड रेट वेरिएबल, जिसमें आपका रेट इनपुट हुआ है। लेट्स सी, गेट सी एच फंक्शन लिखते हैं, ओके, और उसके बाद इसे अपन क्या करते हैं, मैंने मेन को क्लोज कर दिया है, एक बार इसे अपन क्या कर लेते हैं, सेव कर लेना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एस आई डॉट सी, ओके, इसका नाम है, ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, एक बार सेव कर लिया है। नाउ इसे अपन क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं है, एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जब अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके सामने आउटपुट में डिस्प्ले हो रहा है प्रिंट एफ में, जैसा कि लिखा था, एंटर अमाउंट टाइम एंड रेट। सो फर्स्ट अमाउंट, ठीक है, टाइम फॉर एग्जाम्पल 4, और जो आपका रेट है फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल 4.4। तो जैसा कि आपने इनपुट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 234, टाइम क्या है 4, एंड रेट क्या है बेसिकली आपका 4.4 जो आपने इनपुट किया था। सो सक्सेसफुली क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है प्रॉपरली। नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आपने अभी मैंने आपको बताया था, वो है पी, दैट इज प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपने किस में इनपुट किया है, ए एम टी नाम के वेरिएबल में। उसके बाद क्या करना है, ए एम टी प्रिंसिपल अमाउंट, देन टाइम, देन रेट, एंड इट्स होल डिवाइड बाय 100, ओके। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको आउटपुट में क्या करना है, डिस्प्ले करना है, दैट इज अवर आउटकम, ओके। सो किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, वी वॉन्ट टू डिस्प्ले लाइक दिस, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, देन उसका जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होना चाहिए, और ये वेरिएबल किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का लिया है, ठीक है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो भी क्या हो सकता है, फ्लोट टाइप का, क्योंकि उसके अंदर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, दैट इज रेट, ओके। सो इस तरीके से क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे इसे, जो अपन डिस्प्ले करना चाहते हैं मैसेज उसके साथ, ओके, और देन कॉमा सेपरेटर का यूज करेंगे, और उस वेरिएबल का नाम जिसमें आपका रिजल्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, दैट इज एस आई वेरिएबल, ओके, सेमीकोलन, फिर से एफ टू की से सेव करेंगे, ओके, कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। नाउ एंटर वैल्यूज 500, 5, ओके, एंड 5.5 फॉर एग्जाम्पल,
सो रिजल्ट इज 137.50 एंड समथिंग। ओके, या जिस तरीके से अपन वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी वांट टू डिस्प्ले लाइक दिस सिंपल इंटरेस्ट परसेंट है, ओके आरएस ओनली, रुपीस ओनली, है ना, फॉर एग्जांपल। तो जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से थोड़ा सा करेक्शन किया है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये आपका इनपुट है, ठीक है, 56 और 56.55, आपका रिजल्ट क्या है, 10,893 point something एंड रुपीज ओनली। ओके, सेव कर लेंगे। ओके,